भले ही आज सीएए को लेकर आज देश भर में विरोध और समर्थन चल रहा है, लेकिन आज हम आपको नागरिकता का एक ऐसा मसला दिखाते हैं जिसने भारत के वसुधैव कुटुंबकम की नींव और मजबूत की थी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भले ही आज देश में दो मत है। धनबाद के तेलीपाड़ा में लॉ कॉलेज के पास रिफ्यूजी कॉलोनी में रह रहे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1982 में 26 परिवारों को बर्मा से लाकर यहाँ बसाया गया था। हर परिवार को नागरिकता के साथ 5 डिसमिल जमीन दी गई थी। फिर ईस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी लोग बंगाली था, हिंदू, तो वहाँ अत्याचार के चलते सब अपना घर द्वार जमीन जायदाद सब कुछ था, सुख में रहता था, तो क्यों इधर आ जाए। लेकिन जब अत्याचार शुरू हुआ तो सब वहाँ आने लगा। उस पीरियड में हमारा बाप दादा भी यहाँ चला है, तो आए तो भारत सरकार 1965 के कटअप में इन सबको बताने का काम किया, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, तो आपका दंडकारण सब जगह को बसाया। कथना अनुसार हम बता रहे हैं, हम लोग तो उस समय अनभिज्ञ थे, नथिंग पॉइंट में थे। उन लोग बोले कि हम लोग बर्मा से आए हुए हैं, जो हम लोग मतलब कि हावड़ा में रुके हुए थे, हावड़ा से फिर यहाँ हम लोग आए धनबाद, और जो जिसको जहाँ मिला वहाँ भाड़ा के घर में रह के। जो नागरिक है कि भारत में आके बच जाइए, पाकिस्तान वाला अन्याय कर रहा, इसलिए इंदिरा गांधी बोला कि आके यहाँ पर धनबाद में दे दिया जमीन, इन लोगों का बस गया है, इन लोग बसा सब ठीक है, और जो भी है पर यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रहा। इन परिवारों को 1962 में बर्मा में सैन्य शासन लागू होने के बाद बिहार बंगाल के बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया गया था। फिर 1982 में इन्हें यहाँ पर घर दिया गया, लेकिन अब ये भारतीय नागरिक हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। उस समय किए गए कई वादे पूरे हुए, कई अधूरे रहे, लेकिन इतना जरूर रहा कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम की रीत नजर आई। कुंदन सिंह, न्यूज 11 भारत, धनबाद।